तो दोस्तों आज बात करते हैं ओप्पो A5s और Y11 के बारे में। प्राइस रेंज दोनों की लगभग सेम है, इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस भी सेम है। जैसे कि दोनों में ही रियर पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज f2.2, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इसके अलावा दोनों में ही फ्रंट पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करूं, दोनों ही डिवाइसेस में ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरा मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड आपको ओप्पो A5s में तो रियर और फ्रंट दोनों के लिए मिलेगा, लेकिन Y11 में केवल रियर के लिए पोर्ट्रेट मोड मिलता है, फ्रंट के लिए पोर्ट्रेट मोड नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं, दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन Y11 में आपको स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि ओप्पो A5s में आपको स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो यह है कुछ कैमरा सैंपल जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस के रेयर कैमरे से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं। और यहां सबसे पहले कलर टोन की बात करें तो वो आपको ओप्पो A5s में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू Y11। और यहां रेड कलर की बात करें तो वो आपको Y11 में थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलेगा। बाकी का अगर बाकी कलर्स की बात करें तो हर कंडीशन में ओप्पो A5s में आपको ज्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे और उसके सामने Y11 के फोटोज थोड़े से वॉश आउट नजर आएंगे। इसके अलावा डिटेलिंग में भी ओप्पो A5s Y11 से बेहतर है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो कुछ ये कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ भी ओप्पो A5s बेहतर है, ना केवल कलर्स के मामले बल्कि जो स्किन टोन है वहाँ भी ओप्पो A5s में ज़्यादा अच्छी स्किन टोन देखने को मिलती है, थोड़ी सी नेचुरल स्किन टोन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू Y11। इसके अलावा एज डिटेक्शन दोनों का ही कभी कभी फील होता रहता है, लेकिन डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी आपको ओप्पो A5s में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। फ्रंट कैमरे की बात करें तो पहला बेनिफिट तो ओप्पो A5s में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड पर भी फोटो ले सकते हो, जो कि Y11 में फ्रंट पर पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको ओप्पो A5s में मिलेगा। इसके बाद ये हैं कुछ नॉर्मल सेल्फी जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से कैप्चर की हैं। और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे ब्यूटी इफेक्ट की, तो भाई वो दोनों का एकदम अमेजिंग वर्क करता है। डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ ओप्पो A5s बेहतर है, यानी कि रियर कैमरे में भी आपको ओप्पो A5s में अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी और फ्रंट कैमरे में भी। ब्यूटी इफेक्ट की बात करें वो दोनों का एकदम अमेजिंग वर्क करता है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीके से। Y11 का ब्यूटी मोड थोड़ा सा नेचुरल भी लगता है, लेकिन ओप्पो A5s में एकदम कमाल की सेल्फी मिलती है जिसका नेचुरलिटी से कोई वास्ता नहीं है। डिटेलिंग आप एक बार यहाँ फिर से देख सकते हो। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर ओप्पो A5s में आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगे, लेकिन एक अननेसेसरी रेड टोन भी शो होगी जिस वजह से नेचुरल कलर्स आपको लो लाइट में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब दोनों ही फोटोज को आपस में कंपेयर करते हो तो ओप्पो A5s के फोटोज थोड़े से ब्राइटर नजर आते हैं एज कम्पेयर टू Y11। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये है दोनों ही डिवाइसेस के रेयर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया एक फुल एचडी का वीडियो सैंपल। और दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल एचडी तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 fps का सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ अगर डिटेलिंग की बात करें तो वो आपको ओप्पो A5s में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू Y11। दूसरी चीज़ अगर कलर टोन की बात करें तो इनडोर में आपको कलर्स में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आउटडोर में मैं दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ ओप्पो A5s में वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिला है। मतलब एक अननेसेसरी येलो टोन शो होगी वीडियोज़ के अंदर अगर आप आउटडोर में सनलाइट वगैरह में ये वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन सेम कंडीशन में Y11 में आपको कलर्स एकदम नेचुरल नज़र आते हैं। बाकी का स्टेबलाइजेशन दोनों का ही ठीक ठाक ही है, क्योंकि ना तो दोनों में से किसी में EIS दिया गया ना OIS दिया गया है, तो स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही लगभग सेम है। बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ नहीं मिलता है और वीडियो रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस आप यहाँ देख ही सकते हो। स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो Y11 में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि ओप्पो A5s में नहीं है। और मुझे नहीं लगता इसका कोई खास बेनिफिट आपको Y11 में मिलने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस आप यहां देख ही सकते हो। 120 fps पर आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है, जो कि ज़्यादा स्लो होता भी नहीं है। और अगर आप वीडियो ज़्यादा स्लो करते भी हो तो वहाँ लैग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी का नॉइज़ वगैरह आप यहाँ देख ही सकते हो, वीडियो के अंदर काफ़ी है। लेकिन अगर आपको स्लो मोशन केवल फीचर से ही मतलब है तो आपको Y11 में मिल जाता है। तो दोस्तों यही था मेरा ओप्पो A5s और Vivo Y11 के बीच कैमरा कंपैरिजन। प्राइसिंग दोनों की सेम है, इसके अलावा कैमरा स्पेसिफिकेशन भी सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ ओप्पो A5s कम्प्लीटली Y11 को बीट करता है। तो कैमरे के लिए अगर आपको इन दोनों फोन में से किसी में कन्फ्यूजन है तो वीडियो के बाद आपको कन्फर्म हो गया होगा कि Y11 कहाँ ठहरता है और ओप्पो A5s कहाँ ठहरता है। पर्सनली मैं ओप्पो A5s की तरफ जाऊँगा। तो दोस्तों मुझे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इंडिया। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।